राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे बोगनविलिया के बारे में। बोगनविलिया को कागज़ का फूल भी कहते हैं। बालकनी में लगा बोगनविलिया का पौधा किसे पसंद नहीं आता है भला, क्योंकि यह पौधा न सिर्फ घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि घर को एक फ्रेश वातावरण देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा कहीं पर भी लगा हो, लेकिन इसमें फूल आते ही हैं और इसे लगाना बड़ा ही आसान है। कुछ लोग इसका बोनसाई भी तैयार करते हैं, कुछ लोग इसे एयर लेयरिंग और कटिंग के माध्यम से आराम से उगाया जा सकता है। वैसे तो दोस्तों, आपके बगीचे की सुंदरता हर एक फूल बढ़ाता है, लेकिन बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। रंग इसकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है, जिसके चमकीले जीवित रंग हैं। पौधे अलग अलग विभिन्न रंगों में आते हैं दोस्तों, जिसमें लाल रंग, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और सफ़ेद शामिल है। बोगनविलिया को 2 घंटे की धूप नहीं, कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर पौधा छांव में रखा है तो वह फूल नहीं देगा। बोगनविलिया को धूप बहुत पसंद है। बोगनविलिया के सभी किस्म के पौधे पनपने के लिए पूर्ण रूप से गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, और जड़ सड़न की को रोकने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। बोगनविलिया का असली फूल एक छोटा सा क्रीम कलर का फूल होता है। फूल को घेरने वाली रंगीन पत्तियों से अपना दिखावटीपन प्राप्त करता है। बोगनविलिया बारहमासी पौधा है। ज़्यादा ठंड के कारण वह फूल देना रोक देता है। दोस्तों, बोगनविलिया का फूल बहुत लंबे समय तक पौधे पर बना रहता है या टिका रहता है। ज़्यादातर प्रजातियों पौधे में नुकीले कांटे होते हैं। फूल के साथ साथ पूरा पौधा हरा भरा रहता है। इसे पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, आप अगर आपके घर की बालकनी या छत पर अच्छी धूप आती है तो आप बोगनविलिया के पौधे को ज़रूर लगाएं। अगर बोगनविलिया के पौधे पर फूल नहीं भी आते हैं तो भी यह बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।